केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी अरुण गोविल ने कहा कि अयोध्या में जब भी पहले जाने का मौका मिलता था तो मन दुखी हो जाता था। सवाल मन में कौंधता था कि वहां रामलला तो है ही नहीं, मंदिर भी नहीं है। यकीन नहीं था कि इस जीवन में हम रामलला व उनके मंदिर को देख पाएंगे 22 जनवरी को, लेकिन हमने इन पलों को देखा भी और महसूस भी किया। यह केवल पीएम मोदी व सीएम योगी की जोड़ी के चलते ही संभव हो पाया। इन्होंने जो बेंचमार्क स्थापित किए हैं वह सराहनीय है। मैंने पहले काफ़ी समय पहले कहा था कि सन्यासी से बेहतर राजा कोई नहीं हो सकता। योगी आदित्यनाथ योगी भी हैं और राजा भी। अरुण गोविल बुधवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। देखिए क्या कहा अरुण गोविल ने। जय श्री राम के नारे जब लगते हैं तो मुझे लगता है कितनी जिम्मेदारी मेरी बढ़ जाती है। आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतना सम्मान देते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस सम्मान को कैसे अपने आप को प्रूव करूं कि मैं इस सम्मान के योग्य हूं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। अयोध्या में राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पहले भी जब कभी अयोध्या जाने का मौका मिला तो लखनऊ भी जाते थे तो लगता था कि चलो अयोध्या होकर आते हैं, लेकिन अयोध्या में जाने के बाद मन दुखी होता था। वापस आते समय लगता था कि क्यों गए हम, वहां तो मंदिर है नहीं, अभी रामलला है ही नहीं। पहली बार ऐसा लगा। ये हमें यकीन नहीं था कि हम अपने जीवन काल में ये पल जी पाएंगे, ये पल देख पाएंगे जो इस साल 22 जनवरी को हमने जिया होते। जब परमाननीय योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, मैंने ट्वीट किया था कि सन्यासी से अच्छा राजा कोई नहीं होता। बहुत अजीब सा कॉम्बिनेशन है सन्यासी और राजा। और परमाननीय योगी जी की बदौलत वो दोनों काम एक साथ हुए, सन्यासी भी है और राजा भी। मेरा पहली बार मन किया कि मुझे अब जाना चाहिए लोकसभा में। और ये देखिए राम जी की कृपा देखिए, जैसा इन्होंने भी कहा अभी राम जी की कृपा देखिए कि मुझे अपने जन्म स्थान में आने का मौका मिला। इससे पहले सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने अपने संबोधन में कहा कि परिवर्तन तो होता है, जो आता है वह जाता भी है। इस वर्ष रामलला अयोध्या में पधारे और इसी वर्ष श्री राम का अभिनय करने वाले अरुण गोविल अपने जन्म स्थान मेरठ में पधारे। देखिए क्या कहा सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने। 2009 में मुझको जब पहली बार पार्टी के नेतृत्व को आशीर्वाद मिला और मुझे प्रत्याशी बनाया गया, मुझे कोई जानता नहीं था। पुराना कार्यकर्ता था, ये मेरी पहचान थी, लेकिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी ने स्वीकार किया, बहुत प्रेम से प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया, क्षेत्र की जनता ने आशीर्वाद दिया और कठिन दिखने वाली सीट को सहज ढंग से जिता करके मुझे लोकसभा के अंदर मिला। प्रदेश के नेतृत्व ने, राष्ट्रीय नेतृत्व ने 2014 में और 2019 में भी मुझको प्रत्याशी बनाया और क्षेत्र की जनता ने भी इतना मुझको प्रेम दिया कि मैं उनके प्रेम से लबालब भरा हुआ। अब देखिए परिवर्तन तो होता है, जो आता है वो जाता भी है। और बड़े स्वाभाविक ढंग से मैंने कहा कि मुझे तो कोई जानता नहीं था। और हमारे आदरणीय श्री अरुण गोविल जी तो रामायण के राम के रूप में हम सबके हृदय में पहले से विराजमान है। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि उन जैसे व्यक्तित्व को नेतृत्व ने यहां पर प्रत्याशी बनाया। मैं नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं और आदरणीय अरुण गोविल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर
एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज ने कहा कि योगी कार्यकाल में यूपी की कानून व्यवस्था इतनी दुरुस्त हो चुकी है कि अपराधी अब अपराध करने से डरता है। महिलाओं व बेटियों को अब रात के अंधेरे में भी सुरक्षा का एहसास होता है और इस कार्य को योगी आदित्यनाथ ने अंजाम दिया है। देखिए क्या कहा धर्मेंद्र भारद्वाज ने। लेकिन अगर आज हमारी ढाल बेटिया अगर आप लेन छोड़ो रात को 2 बजे भी कहीं चली जाए तो हमारा स्वर हमारा सोच हमारी कल्पना एक ऐसी साक्षात होती है कि जिसे देख करके आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी बहन बेटिया योगी का सुरक्षा कवच लिए बैठी है। मैंने एक बहन बेटी से पूछा था कि रात को 2 बजे आप घूम रही हो तो आपको उत्तर प्रदेश में डर नहीं लगता, तो मेरी बहन ने यह कहा जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी जी है जिनका योगी कवच हमारे शरीर के चारों तरफ है तो हम उसकी आँख निकालने का काम करने वाले हैं। इसी धरती पर इसी उत्तर प्रदेश की धरती पर 2017 में पहले भी आपने देखा था ये हमारी बहन के साथ क्या होता था, लेकिन आज जो सुरक्षा कवच योगी जी ने दिया है हमारी मातृशक्ति के लिए वो वास्तव में करते हैं सोच भी है। उन्होंने पहले दिन से ये कहा था कि मेरी जो सरकार है वो गरीबों के लिए वंचितों के लिए पिछड़ों के लिए और अंतिम छोर में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति के लिए है। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।